अब हम रिपोर्ट्स में देखते हैं, आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट्स। यहाँ पर सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी डेट तक के रिपोर्ट देखनी है। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें सभी आइटम कोड के रिपोर्ट देखनी है तो ऑल पर क्लिक करेंगे, और हमें किसी पर्टिकुलर देखनी है तो उस आइटम कोड पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट करेंगे और शो बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएंगी।